वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे कंटेंट से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा अगर आप लोग लाइकी ऐप वगैरह चलाते हैं तो उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो हाँ फ्रैंकलिन बता भाई, यूसुफ मकई ने क्या बोल रहा है? मौका भाई बोल रहा है मौका भाई को भेज दो, वो ले जाएंगे आकर गाड़ी पैसे ले जाएंगे। तू नहीं चल रहा क्या? नहीं मौका भाई, मैं नींद आ रही, मैं सो नहीं आ रहा हूँ, काफ़ी देर से बैठा था मौका भाई उसके पास, बैठ कर काम करवा, बेहतरीन गाड़ी हो गई मौका भाई, ला कर चेक कर दी मैंने। अच्छा तो बेहतरीन गाड़ी हो गई है ना, वो टिप टॉप हो गई है। हाँ मौका भाई चल जाएगा तो सो जाके। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार अभी फ्रैंकलिन रात के अंदर आ चुका है मेरे पास, बोल रहे हैं कि मौका भाई ठीक हो चुकी है, मतलब माइकल भाई ठीक हो चुकी है, गाड़ी जाकर देख लो। तो अभी मैंने पैसे तो ले लिए हैं, 20,000 रुपये ले लिए हैं, पर अल्लाह का इतने में ही बाकी फ्रैंकलिन का जानने वाला है, फ्रैंकलिन का यार है तो फ्रैंकलिन भिजवा देंगे, बाकी भिजवा देंगे इसको। एक पैसों की काफ़ी कमी चल रही है, चलो अभी चलते हैं उसी दुकान के करीब। चलो चलो तो यार दुकान के करीब तो पहुँच चुके हैं, उसकी तकरीबन पहुँचने वाले हैं। बस इसी दुकान है ना, ये तीन रोड खुलते हैं इसकी दुकान में, आमने सामने तीन तरह के रोड खुलते हैं, बेहतरीन दुकान है यार इसकी भी। चलो यार इसे लगाते हैं, माका भाई माइकल भाई यहाँ पे लगा दो, माइकल भाई यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे सामने लगा दो मेरे, माइकल भाई यहीं लगा दो, माइकल भाई सही लगा दी भाई लगा दी, माइकल भाई लाइट खोल दो, अंधेरा आ रहा है। हाँ लाइट नहीं आ रही क्या माइकल भाई? लाइट नहीं आ रही यहाँ पर यार, बैटरी चल रही है मेरी। हाँ भाई बताया यार कितने पैसे हो गए? माइकल भाई जाओ तो देना चाहो यार दे दो, माइकल भाई तुम्हारी मर्जी यार, हम क्या बोल सकते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम यार दोस्त फ्रैंकलिन के भाई हो यार, भाइयों की तरह तुम यार मेरे भाई हो गए ना। तो यार तू पैसे बताया जल्दी जल्दी बता। माइकल भाई देखो इतनी प्यारी गाड़ी बनाई है मैंने, माइकल भाई देखो जल्दी से तैयार करिए, मैंने बोला माइकल भाई को ज़रूरत होगी। हाँ तो पैसे कितने हो गए माइकल भाई? मैं बताऊँ ना तुम्हें, मान लेना यार माइकल भाई 15,000 तो हो गए माइकल भाई, अगर कोई दूसरा होता ना मैं 20,000 लेता माइकल भाई, तुम्हारे लिए 15,000। चल देख ले यार कोई कमी कैसी हो तो, माइकल भाई 13,000 देता हूँ आखिर, 13,000। चल सही है भाई सही है माइकल भाई, ला चाबी अभी दे दे, चाबी दे दे सकर, लो माइकल भाई लो चाबी ले लो। सही है माइकल भाई बेहतरीन, आला किस्म टिप टॉप गाड़ी है भाई, अगर कोई मसला हो ना आगे से माइकल भाई मेरे पास ही आ जाना, बेफिक्र होकर। सही है माइकल भाई? हाँ हाँ सही है यूसुफ, सही है बेफिक्र रहे यूसुफ, चल सही है यूसुफ, सही है माइकल भाई सही है, मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ बस, सही है चल सही है यूसुफ, सही है माइकल भाई दुआ में याद रखना। हाँ हाँ देख रहे हैं। चलो तो यार अभी चलता हूँ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, मैं सोच रहा हूँ हाईवे साइड पर चलूँ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो अभी चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए हाईवे की तरफ। यार अच्छा बंदा है, काफ़ी नाइस बंदा है, इसने गाड़ी तो टिप टॉप कर दी, बिल्कुल चलने में मज़े की मज़ा आ रहा है। चलो तो यार मैं पेट्रोल पंप पे पहुंची हूँ, ये मकैनिक जो होते हैं ट्रेनिंग करते चढ़ते हैं तो पेट्रोल दिलवाते हैं, तो पेट्रोल दिलवाता हूँ। तो ये मकैनिक जो होते हैं ना, ये पेट्रोल जब डाल गाड़ी का इंजन काम करते हैं, गाड़ी की टंकी से पेट्रोल निकाले और ऐसे ही ब्लास्ट हो गया गाड़ी अपनी, थोड़ा बहुत डाल दिया पेट्रोल इसने अपने पास से, तो गाड़ी जो मैंने दलवा लिया। अब यार मुझे यहाँ पे कुछ आ आके मैं बहुत दिन बाद यहाँ पर आऊँ, कुछ याद आ रहा है मुझे यार, याद आ रहा है कुछ ना कुछ याद आ रहा है जो अभी भूल रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा। यहाँ पर खड़ा होना भी गलत सही नहीं है, वारदात भी हो सकती है, और तो और चलता हुआ ट्रैफिक टक्कर कर मार दे, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या किस बात का याद आ रहा है, कि मुझे लग रहा है कि मेरी किस्मत शायद अब जाग जाए। चलो घर चलते हैं। चलो तो यार घर तो चल आ गया हूँ मैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ, काफ़ी सर में दर्द हो रहा है यार मेरे, समझ नहीं आ रहा क्या याद आ रहा है मुझे, हाईवे साइड में क्या है ऐसा मेरा। तो अभी चलता हूँ यार थोड़ी यहाँ पे फुटपाथ पे खड़ा होकर कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ यार थोड़ी सी यहाँ पर लेकर, समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसा क्या याद आ रहा है मुझे यार, पता नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे, बस मैं परेशान हूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं फिर आप लोगों को बताता हूँ, याद आया तो जो बताता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे खड़े होते हैं और कॉफ़ी लेता हूँ थोड़ी देर में, बस मैं कॉफ़ी लेता हूँ। चलो तो यार मैंने कॉफ़ी तो ले ली है, तो यार अब याद आया ना, याद आ चुका है मुझे कि मसला तो ये था
कि जो थी जब फ्लेस्टन ने दोबारा मुझे चोरी के कामों पर लगाया था तो मैंने इसकी चोरी करी थी, और इसने जिम्मी का गिफ्ट गाड़ी गाड़ी करी थी, एक वाइट कलर की बिट्स। तो उसके बाद ईद आ गई, ईद उल फितर। तो ईद नमाज के बाद हम लोग हाईवे की साइड ले गए, जिसके ऊपर पुलिस ने हमें रोक लिया था। तो उस हाईवे के ऊपर मेरे पास थी अपनी सारी गन वगैरह थी, और मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है, मैंने उन सारी गनों को मैंने दरख्त के पेड़ पेड़ के नीचे दबाया था, रखा था, याद था, याद पड़ रहा। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 1 साल तो होने वाला है उसको। अब मुझे लग रहा है कि गने गल गई होंगी। अब देखता हूँ, अगर आप लोगों को ये एपिसोड समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, अब आप देखें तो इसको। अभी मैं कॉल के बहाने से ऊपर आ चुका हूँ, मैं चेस हूँ मेरे पास। मैं सोचा जाने से पहले पुलिस स्टेशन में, मेरे पास लाखों की गने हैं, तो मैं चेक करूँ, इनको मार सकता हूँ तो मार लूंगा, नहीं मार सका तो खाली यार घर जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ अगर एक को मारा मैंने तो दो हैं भी। और पहले बात है तो जिम्मी नीचे खड़ा है, ये बहुत बड़े मसले की बात है। अगर मैंने उसको बुलाया ऊपर तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो मैंने एक बड़ी काफ़ी टाइम के बाद सोचने के बाद मैंने एक प्लान बनाया। मैं तुम जाए पुलिस स्टेशन में लाखों नुकसान नहीं कर सकते, जो गने मेरे सारे छीन लेंगे। तो मैं इधर एक पत्ते के पेड़ जो भी दिख रहे हैं सामने आपको, इस पेड़ के अंदर मैं गने रख दूंगा, मतलब जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, और चलते हैं फिर इनको रख के। अभी दिखा दूँ आपको, गने रख दिए हैं बिल्कुल खाली है मेरे पास। अभी चलते हैं ताकि बाद में जब छुट के आएंगे हम लोग इस जगह से आकर मैं अपनी गने ले जाऊंगा, क्योंकि इस जगह किसी का आना नहीं होता। हाँ भाई पुलिस तो आपने देखा, तो आपको ये वीडियो देख कर आपका पॉइंट क्लियर हो चुका। मैंने यहाँ पर गने गाड़ी थी, और ये गने काफ़ी महंगी हो सकती हैं, पर हाँ ये बता दूँ, ये गने हराम के पैसे के नहीं। जब मैं चोरी का काम शुरू कर रहा था तो मैंने लोगों की दुकानों में काम कर करके, इधर से उधर काम कर करके, तो मैंने इन पैसों से गने वगैरह खरीदी थी, और लाइसेंस करनी थी। लाइसेंस मुझे यहाँ तक याद पड़ सकता है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस जरूर कैंसिल कर रहा होगा, लेकिन गने तो इनको मिली नहीं होंगी, क्योंकि पहाड़ों पर जाने तक काम नहीं है गवर्नमेंट का। और मैंने दरख के पेड़ के पास गाड़ी वगैरह थी, गने गाड़ दी थी, गने रख दी थी। तो अभी मुझे याद, अभी जल्दी जाकर सोना है मुझे, घर ही आके और जाके, और सुबह ही सुबह उठना, ताकि फ्रैंकलिन और जिम्मी से पहले उठना है, ताकि वो उठे नहीं, वरना उनको तावीले वगैरह देना पड़ती हैं। और आपको पता है आपके भाई को तावीले वगैरह देना पड़ना देना पसंद नहीं है। तभी चलते हैं अपन, यहाँ पर गाड़ी लगाता हूँ मैं, गाड़ी हेडलाइट काफ़ी तेज़ कर दी, जो कि बेहतरीन है रात के लिए, बेहतरीन आला किस्म की। या लेकिन अब तो शहर में कुछ लोग सफ़ेद लाइटें लगा लगा घूम लेते हैं, जो आंखों में काफ़ी चुभती हैं। कंपनी लगा के दे रही गाड़ी में लाइट, वही लगाऊंगा, कंपनी का पागल समझेगा लोगों ने। तभी चलते हैं, जाके जल्दी से सो जाता हूँ, फिर सुबह आप लोगों से मिलता हूँ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो यार, सुबह तो हो चुकी है, अभी सुबह ही हो चुकी है, फजर के बाद का मौसम है। तो अभी चलते हैं फटाफट, ये जिम्मी वगैरह और फ्रैंकलिन और अमांडा वट्ठासी वगैरह, सारे अमांडा वट्ठासी अभी खाला के घर गई हुई है, वहीं रुकी हुई, कयाम करने का उनका प्रोग्राम है। तभी अपन चलते हैं हाईवे की साइड पे, वहाँ पे जाके अभी सुबह इसलिए निकल रहा हूँ कि सुबह रोशनी में, रात में जाता रात में जा सकता था मैं, लेकिन रात के अंदर भेड़िए शेर वगैरह डर हो सकता है, अगर हाईवे निकल पर आ गया तो मसला हो सकता है, जान का खतरा है। तभी पुलिस भी नाका जल्दी लगाएगी नहीं, वो भी 1 बजे तक नाका लगाती है, दोपहर 1 बजे तक। तभी आराम से जाते हैं वहाँ पर और अपनी गनों को निकालते हैं, बैग तो रख लिए मैंने गनों के लिए। चलो चलो, तो यार हाईवे की तरफ तो पहुँच चुका हूँ मैं, मैंने अपने और गन वगैरह बैग भी रख ली हैं, गाड़ी की डिग्गी वो जो सीट के नीचे, इसके नीचे रख दी है मेरे। अब जहाँ तक याद पड़ रहा है यही पहाड़ था, चलो चढ़ाते हैं इस पहाड़ पर, देखते हैं बाकी। मुझे चाहना क्या कहते हैं, मन ये गाड़ी जो है ना, बाइक से दरख के इसमें झाड़ियों में छुपाना चाहिए, अगर पुलिस का छापा वापा पड़ा तो गाड़ी दिखे नहीं बाहर से, अगर पुलिस ऑफिसर घूम रहा हो राउंड पे आया हो तो। अरे पता, यहाँ तक याद पड़ता है मुझे, यहाँ पर राउंड पर आता नहीं है, सुबह ही सुबह कोई ना कोई तो आता ही नहीं राउंड पे, अगर ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है अब आते राउंड पर, यहाँ पर वैसे आते ही नहीं है, यहाँ पर राउंड पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी आते ही नहीं है इतनी जल्दी। तो अभी काफ़ी सुबह हो रही है, मुझे लग रहा है इस पेड़ के अंदर थी, यहाँ तक याद पड़ रहा है मुझे। नहीं, अरे सामने वाले पेड़ में होगी, हाँ, याद आया, सामने वाले पेड़ में। तो आपको दिखाता हूँ, मुझे लग रहा है इसी में, बस दुआ करो गले न गल ना गई, बारिश है, 1 साल बीत चुका है इस बात को, बड़ी देर से याद आया मुझे। अरे अरे, ये देखो झलक झलक दिखी, झलक दिखी आप लोगों को, झलक दिखी, ये गन की झलक दिखी,
ये देख गन पड़ी, ये देखें ये दिखाता हूँ अगली साइड से, ये जो घास वास है जो नहीं आई इनको इसको हटाना पड़ेगा मुझे, फिर आपको साफ देखिए, ये देखें थोड़ी बहुत नज़र आ रही है गन है, ये चेक करिए, ये रही ये रही, लाखों की गन है भाई, लाखों की गन है, बस गली ना हो बंदी गली है, अच्छे मटेरियल की गन है, इतनी आसानी से गलती नहीं है ये, और झाड़ियों में छुपी, झाड़ियों में पानी इतना आएगा नहीं इतनी आसानी से, बता रहा हूँ मैं, ये चेक करें नज़र आ रही है ना गन है आप लोगों को, अब बस थोड़ी देर में निकालते हैं इनको, क्या करता हूँ इनको जो घास है इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुरचना पड़ेगा घास को, और उसके बाद निकालते हैं अपनी गन है, फिर चलते हैं। चलो तो यार मैंने घास वास तो हटा दी, दूर कर दी, हटा के उधर से हटा के उधर कर दी, कुछ हटा दी मैंने, अब देख सकते हैं ये गन दिख रही अब आ रूप सामने, वो मुझे जहाँ तक सही दिख रहा है ये गन एक भी गली नहीं है, अभी चेक करते हैं, ये देख रहे हो गन देख रहे हो, चेक करो चेक करो, मुझे लग रहा था जो रात में वही हुआ, बस ये चेक करो गन यरी, अब देखते हैं बाकी और दिखाता हूँ आप लोगों को गने में, अगले साइड से दिखा वहाँ पे शायद हो, ये पुलिस की आवाज़ आ रही है, चलो अच्छा वो बच गया बस पुलिस से अपन, खैर तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, देखा दिखाता हूँ यार, एक तो परेशानी इतनी हो रही मोबाइल के अंदर, एक तो देखो ये चेक कर साफ साफ देखी होगी आप लोगों को, ये साफ देखें दिख गए ना गने, अब इन गनों को मैं क्या करता हूँ बैग में बांधता हूँ, कहाँ पे बैग में बांधता हूँ, ये बैग में बांधता हूँ, बैग लेके आया था मैं सीट के नीचे दबा कर, सही है तो अभी चलते हैं फिर बैग में बांध के गनों को खेलते हैं बेचने के लिए, नॉन लाइसेंस गन है थोड़े कम पैसे मिल जाएंगे, चलो तो यार मैंने बैग और ब्रीफ केस के अंदर मैंने बुलेट्स रख दी हैं, और जो गन थी अच्छे मटेरियल की थी इनके खोल खोल के, इनके पुर्जों को खोल खोल के मैंने इस बैग में रख दिया, इतना बड़ा बैग कहाँ से लाऊंगा, पूरी पूरी गने साथ रख दूँ मैं, पुर्जे खोले इसके पहले और काफ़ी टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि मैं सुबह होने वाली है, अब जल्दी से यहाँ से भगाते हैं इससे पहले कोई आए या कोई देखे, और यहाँ पर जासूस भी घूम रहे होते हैं पुलिस और रेंजर्स और बाकी इदारों के, तो हाईवे की निगरानी यह ज़रूरी होती है हर हुकूमत के लिए, तो अभी चलते हैं अपन फटाफट, एक दोस्त है मेरा जो गने खाते उससे खरीद ने खरीदी थी यार मैंने, उसके बाद चलते हैं उससे बोले गने खरीद लेगा, और बाकी देखते हैं फटाफट यहीं इसी दुकान है करीब में, उसके बाद चलते हैं गने गने बेचते हैं, चलो तो मुझे लग रहा है ये गाने जहाँ तक मुझे अंदाजा पड़ रहा ना ये 40 से 50 लाख के तो होंगे होंगे, जदीद गाने भाई, एक साल गुजरा इस बात को, मुझे लग रहा है भाई अच्छी खासी भी है, अगर ये लाइसेंस होती ना ये मुझे लग रहा है 80 लाख की जाएंगे जाएंगे आराम से, और 80 अगर 60 50 लाख भी दे, इसका मतलब है कि हमारा बेहतरीन और टिप टॉप दुकान हमें मिल सकती है, समझे ना आप लोग, समझ रहे हैं ना, बस समझते रहे बस, अभी देखें होता है क्या आगे, बस ये जहाँ पे चलते हैं अपन यहाँ पे खोल बस यहाँ पार्किंग करते अंदर चलते हैं फटाफट, आप तो चलते हैं अंदर, आपसे हेलमेट रिमूव करता हूँ पहले मैं इसका, चलो यार हेलमेट उतार लिए, मैं अब आपसे अंदर मिलते हैं, तो भाई इसको मैंने ब्रीफ के जरिए बोल रहा है, ब्लड ब्लड देख लिए भाई, बता दे यार, और भाई अहमद बता दे, अहमद अरे माइकल बता रहा तुझे यार, माइकल बता रहा हूँ तुझे, मोकल देख बता दे तुझे, ब्लड्स तो ले लूँगा यार काफ़ी माल, अच्छा ये बता तेरे पास माल कम क्यों गन होगा, माइकल यार शॉर्ट हो गया आगे से, माइकल आ रहा है माल ही आ रहा नहीं है, तूने काम वाम छोड़ दिया क्या माइकल, ये गने बेचने आ गया तू यार, ये अरे हाँ यार क्यों छोड़ लिया माइकल, अरे यार छापे वापे पड़ गए पुलिस वगैरह का, आर्मी वगैरह छापे पड़ गए, अरे यार कोर्ट भी हार, कोर्ट तक आ गए, कोर्ट के फैसले तक सुना दिए गए यार, सब कर ली सारी हमारी जायदाद, ये बची है नॉन लाइसेंस गन है, अरे हाँ पता है यार माइकल बताया था तूने यार, तो फिर उधार ले देता, नहीं यार उधार जिंदगी नहीं जीनी यार, बस ये गने पड़े थे बेचने आया हूँ, कितने देगा इसके, माइकल तू तक तो सही सामने चेक करता है माइकल, बेफिक्र होकर चेक करते हैं, सब्र कर तू, ब्लड तो देख ली मैंने माइकल, माइकल देख मैंने तुझे 55 लाख भेज दिए मैंने, देख माइकल देख लिया थोड़े ज़्यादा कर दे यार, देख ले थोड़ा ज़्यादा उदा कर दे थोड़े से माइकल, देख अगर लाइसेंस होती तेरे में 90 लाख के खरीद लेता आराम से खरीद लिया माइकल, महंगाई जिसना चल रही ना, तो यार फिर चल 60 लाख कर ले यार, चल सही है माइकल मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में तुझे 60 लाख, चल सही है सही है सही है, बेफिक्र हो गया, चलो तो यार मज़े आ गए, मज़े आ गए यार, 60 लाख इसने कर दी है अपन को, बैंक ट्रांसफ़र बैंक से लिखवा लेंगे, शायद भेज देगा, भेजें भेज तो देगा बोलता रहा इसने, तो शायद ये भेज दे भाई, भेजेगा यार शायद शायद कर यार मैं भी बैठ कर, तो अगर 60 लाख इसे भेज दिए इसका मतलब हमारे कितने काम हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम, आप समझ रहे हैं ना, तो
तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। इन मम्मी को फ्रैंकलिन को बताना नहीं है, अचानक कि ऐसा ऐसा खर्च करेंगे, बैंक में रखेंगे पैसे, मसले की कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लाइक करें, अगर आप लोग, चलो गाइस अभी चलते हैं घर की तरफ, अभी वीडियो का एंड करनी, थोड़े आगे चल के एंड करेंगे वीडियो को। चलो यहाँ पर मोड़ता हूँ, यहाँ से घर की तरफ चलता हूँ। आज की वीडियो को इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।